एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई कैसे हो आप सब लोग? तो आप लोगों ने थोड़े बहुत शॉर्ट्स देखे होंगे जिसमें मैंने अपनी एंटॉर्क को क्लीन किया और अभी गाड़ी क्लीन हो रही है और पीछे का व्यू तो आप लोगों को दिख ही रहा होगा। आपको दिखाता हूँ एक बार अच्छे से। तो भाई इधर चले जाएंगे तो दिल्ली और इधर जाएंगे तो फिर भाई अपना आमिर और जयपुर और अजमेर की साइड। तो कल का जो दिन रहा उसके बारे में आपको पता, इसके बारे में वैसे मैं बाद में बात करूंगा अपने घोपरों से। तो अभी का सीन ऐसा है कि अभी सुबह के लगभग 8 बज चुके हैं, अभी बस ब्रेकफास्ट करना है यहाँ से और उसके बाद हम लोग निकलेंगे आमिर फोर्ट के लिए। आप लोगों ने सुना होगा आमिर फोर्ट काफ़ी फेमस है, आमिर फोर्ट हो गया, नहरगढ़ फोर्ट हो गया, तो वहाँ पे निकलेंगे हम। तो मेरे ख्याल से आपसे गोप्रो से बात करनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा शोर आ रहा है कि मैं बात नहीं कर पा रहा। तो मिलता हूँ आपसे गोप्रो से। A few moments later. So, भाई गोप्रो में आ गए हम लोग। तो चेकआउट हो गया होटल से और बस अब जा रहे हैं टूवर्ड्स आमिर फोर्ट की साइड। तो अपने जो भी जितने भी फोर्ट्स हैं वहाँ पे, आमिर फोर्ट, नहरगढ़ फोर्ट और जो भी है जयगढ़ फोर्ट, तो वहाँ पे हम लोग विजिट करेंगे अब जाके। पहले आया था यहाँ पे जब खुद से अकेला आया था ना, तब मैं एविटर लेके आया था। उस टाइम पे मेरे को ब्लॉगिंग करना, मतलब यू नो लाइक पार्टी किया था तो मेरे को नहीं पता था कैसे ब्लॉगिंग करना है। इवन वो मैं फर्स्ट टाइम आया था यहाँ पे खुद से, उससे पहले फैमिली के साथ ही आया करता था। उसके बाद फिर एक बार एंटॉर्क लेके आया, वो मैंने ब्लॉगिंग करके डाला हुआ है वो भी पार्ट, और इस बार भी मैं अपनी एंटॉर्क ही लेके आया हूँ। रात को बहुत अच्छी नींद आई यार सच में, मतलब मज़ा आ गया सो करके, नहीं पता चला, होश भी नहीं था कहाँ पड़ा हूँ कहाँ नहीं पड़ा, तो बहुत अच्छी नींद आई। हैव अ लुक गाइस, अगर आप लोगों को दिख रहा है वो, दैट इज़ आमिर फोर्ट। तो कल में मैंने जो राइड किया अपनी एंटॉर्क को, लगभग 500 किलोमीटर अजमेर जो हमारे घर से था, और उसके बाद अजमेर से फिर सेम डे हम लोग जयपुर आ गए थे रात। जो भी घर वहाँ हमें रहने का फ़ायदा भी नहीं था क्योंकि हम लोगों को जयपुर भी घूमना था फैमिली के साथ, तो हम लोग जयपुर में आए। जयपुर में रात हमने स्टे किया, रोशन हवेली करके यहाँ पे एक था और बहुत अच्छा था वहाँ पे स्टे, जो था बहुत अच्छा स्टे था, सारी सर्विसेज बहुत अच्छी थी, रीजनेबल प्राइस था। और इसके बाद तो मैंने 500 किलोमीटर अजमेर किया, देन 500 किलोमीटर के बाद हम सेम डे ही जब जयपुर रात को वापस आए, वो था लगभग अजमेर से जयपुर जिस जगह पे हम लोगों ने स्टे किया दैट वाज अराउंड 170 किलोमीटर, तो 600 किलोमीटर के आसपास कल में मैंने राइड किया अपनी एंटॉर्क को। और अजमेर से मैं जो जयपुर आया हूँ नॉन स्टॉप, कोई ब्रेक नहीं था बीच में, 170 किलोमीटर नॉन स्टॉप मैं इसको चला के लाया हूँ। आई नो बहुत लोग बोलेंगे कि भाई ऐसे लाइफ ख़राब होगी इसकी, ऐसे नहीं चलाना चाहिए जो भी, बट मैंने अपने तरीके से चलाया कि किस तरीके से चलानी है, जिसकी वजह से हीट भी नहीं हुई और भी रीजंस थे। बाकी तो सब कुछ अच्छा रहा, व्लॉगिंग इसलिए नहीं करी रात में यार, देखो कोई फ़ायदा नहीं था, अंधेरा हो चुका था काफ़ी ज़्यादा, कुछ दिखाने को था नहीं मेरे पास, तो इस वजह से मैंने सोचा कि अब नया व्लॉग शुरू करूँगा नेक्स्ट डे अच्छे से फ्रेश होके उठ के। तो राइट साइड में देखो गाइस कितना ही ब्यूटीफुल नज़ारा है यार, मेरे को उसकी क्रेटा की ना ये LED बहुत अच्छी लगती है, जो ब्रेक लाइट में जल रही है ना इसकी LED, ये इसी वाले मॉडल में, SX मॉडल में, टॉप मॉडल में। होप आप लोगों ने देखा होगा वो भी गाड़ी इसमें चलेगी, शिट वो लर्निंग पे, एक्चुअली वैगनर वाला लर्निंग पे है। ओह शिट यार गाइस, आप लोग जब चलाओ ना प्लीज़ ये हिल स्टेशन पे खास करके याद रखो कि किस तरीके से आपको ड्राइव या राइड करना है, आराम से चला लो कोई दिक्कत नहीं है यार, अभी भी भगा रहा है वो बंदा वैगनर वाला, हाथ हो गया ऐसे में। तो नहरगढ़ और जयगढ़ फोर्ट के लिए हमें राइड कर लेना है यहाँ से।
टिकट्स वगैरह ले रहे हैं हम व्हीकल के लिए, तो इसका 10 रुपीज़ का टिकट है और गाड़ी का है 70 रुपीज़ का। चलते हैं अंदर। पार्किंग तो अंदर तक थी, पार्किंग तो अंदर तक थी। पार्किंग हाँ ठीक है ठीक। सो गाइस व्यू देखो यार यहाँ से कितना अच्छा आ रहा है। वो वाला आमिर फोर्ट है वो वाला, और वो मेन रोड जो है, और पीछे जयपुर। बहुत वॉक करके हम लोग। A few moments later. तो भाई यहाँ पे भी घूम लिया अब अलविदा कहते हुए इस जगह को, चलते दिल्ली की ओर। और अभी टाइम हुआ है 2:15। ऑटो वाले से आगे निकाल लिया मैंने सिर्फ व्यू दिखाने के लिए। आपको एक चीज़ दिखाता हूँ बहुत ही अच्छी, और ये हम आ गए। ये देखो कितना मस्त है यार ये सीन मेरे को सबसे बेस्ट लगता है। जल महल पूरा वहाँ पे। और अभी यहाँ से डिस्टेंस है हमारे घर का लगभग 270 किलोमीटर। तो गाइस अभी टाइम हुआ है 5:14। तो अभी जयपुर से हम लोग निकल चुके हैं प्रॉपर तरीके से, क्योंकि तब से हम लोगों ने थोड़ा बहुत खाना वाना खाया, शॉपिंग किया, जो भी था जितने भी काम थे सारे फिनिश किए, और अब फाइनली हम लोग जयपुर से एग्जिट कर रहे हैं। तो ये आमिर वाला रास्ता है गाइस। बस आप लोगों से इतना ही बोलूँगा कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना यार। मैं यही बोलूँगा कि ज़रूर लाइक करना। हाँ मेहनत पसंद आए तो बिल्कुल लाइक कर देना यार। और मेहनत तो खैर काफ़ी लगी है यार, क्योंकि ये मेरा चॉइस था कि मुझे अपना व्हीकल लेके आना है, क्योंकि कंटेंट मिल जाएगा, राइडिंग करने का मौका मिलेगा सबसे बड़ी बात, क्योंकि जब भी राइडिंग करने का मौका मिले मैं पीछे नहीं हटता बिल्कुल भी। टाइम हुआ है करेक्ट 7:00 और दिल्ली यहाँ से है 137 किलोमीटर। माने सर 87 किलोमीटर, नीमराना 17 किलोमीटर। और मेरी स्नोबेल भी रिजर्व में लग चुकी है, और मेरी स्नोबेल जो रिजर्व में लगी है ये लगी है 157 किलोमीटर चलने के बाद। तो भाई पेट्रोल हो गया खत्म, देखते कितनी चली है। 213 किलोमीटर चली है फुल टैंक में 5 लीटर पेट्रोल में। तो भाई ये चली है फुल टैंक में 213 किलोमीटर, 213 दिखा रहा है, 213 किलोमीटर। और इसमें अभी चल जाती 5 या 10 तो 220 किलोमीटर मान लो आप, वैसे मुझे नहीं पता कितनी चलती, लेकिन जहाँ तक है 5 या 10 किलोमीटर और चलती। टैंक फुल कर दीजिए टैंक। और रिजर्व में चली है ये 49 किलोमीटर, तो सबसे आप अंदाज़ा लगा लो कि 5 लीटर में कितना इसने एवरेज दे दिया किस हिसाब से। बाकी ये कि हाँ सर्विस में करा के लाया था इसके, और सर्विस के बाद काफ़ी अच्छा एवरेज अब निकाल रही है 100 ट्रिप पे। और अभी गुड़गांव यहाँ से लगभग शायद अभी मैं आगे चेक करूँगा दोबारा मोड़ पे तो 60 या 70 रह गया होगा यहाँ से। तो भाई अभी जस्ट टाइम हुआ है
8:58 मतलब लगभग पूरे 9 बज गए और अभी मैं पहुंचा हूँ मानेसर टोल प्लाजा। तो अपनी एंट्री तो होगी गुड़गांव के अंदर, अब बस यहाँ से 10 या 15 किलोमीटर मेरा घर होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रहा हूँ क्योंकि भाई मेरी कैमरे की बैटरी एकदम डाउन हो चुकी है और आई डोंट नो ये एक मिनट चलेगा या दो मिनट। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पर क्लोज। होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर से लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को कर लो सब्सक्राइब, जिससे कि अपकमिंग व्लॉग होगा मेरा वो आपको जल्दी ही पता चल जाएगा। मिलते हैं आपसे फिर किसी दूसरी वीडियो में, टिल देन साइनिंग ऑफ, दिस इज़ इंडिया ऑन टू बीज, बाय बाय।